नमस्कार इंजीनियर्स, हमारे YouTube चैनल ECM Tutorials पर आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हमारा काफ़ी स्पेशल वीडियो है। ये वीडियो मैं मेरे एक दोस्त के कमेंट करने पे मैं लेके आया हूँ। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं कि 80 mm की डिस्टेंस पे 10 mm के बीच में गैप है और दो लाइन हमारी टेपर्ड है, ठीक ना, एक एंगल पे। तो उसको हम लोग ड्रॉ करते हैं अपनी ऑटोकैड की स्क्रीन पे, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग ध्यान से देखना कि हम लोग उसको कैसे ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले मैं इसके अंदर क्या करूँगा, लाइन कमांड का यूज़ करूँगा, ठीक है ना, इसके अंदर जैसे आप देख रहे हैं अपने थंबनेल में। और इसके अंदर हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ करेंगे और उसकी सिंटेक्स होती है @ डिस्टेंस लेस देन एंगल। मतलब आपको डिस्टेंस मालूम होनी चाहिए और उसका एंगल मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर डिस्टेंस तो मैं रेंडमली मतलब कुछ भी रख लूँगा, ठीक है ना। और एंगल हमारा बाय डिफ़ॉल्ट कितना रहेगा, जैसे कि मान लीजिए दो लाइन है, उनके बीच का एंगल हमें कितना दिया हुआ है, उनके बीच का एंगल मान लीजिए हमें 30-30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, 30-30 डिग्री या फिर 6-6 डिग्री दिया हुआ है। तो जब बीच का मतलब 6 डिग्री एंगल दिया हुआ रहेगा, मैं आपको क्लियरली समझा देता हूँ। जैसे कि ये हमारा, मैं आपको यहाँ पे आपको बढ़िया से समझाता हूँ, इस तरह आपको बोलने से समझ में नहीं आएगा। मैं एल एंटर करता हूँ, ठीक है, फिर एंटर किया मैंने, ये इसका बीच का कोऑर्डिनेट हो गया। मैंने एक प्लस का सिंबल ड्रॉ कर दिया ताकि आपको इजीली पता चल जाए। अब जैसे कि एक लाइन है यहाँ से 5 mm आप मान लीजिए इधर है, ठीक है, फिर इधर चलिए कितना 10 mm, क्योंकि हम ओवरलैप हो जाइए हो, ठीक है। अब ये लाइन है 10 के बीच का, इसका डिस्टेंस गैप है, ठीक है, 10 के बीच का डिस्टेंस है और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 6 डिग्री का है। तो जब मतलब 6 डिग्री का मतलब 3 डिग्री इस क्वाड्रेंट में आ गया और 3 डिग्री इस क्वाड्रेंट में आ गया। तो एक क्वाड्रेंट हमारा कितने का होता है, जैसे मैंने आपको बताया था 90 का होता है, और ये क्वाड्रेंट मतलब चारों क्वाड्रेंट हमारे 90 के होते हैं, 360 डिग्री के हो गए, ठीक है। तो जब एक क्वाड्रेंट आपका 90 का होता है तो 90 में से ये देखिए, अब हमें एंगल कहाँ से चलना होता है, 0 से। तो 0 से जब चलेंगे तो हम 90 में से क्या करेंगे, इसको 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 90-3 कितना हो गया आपका, टोटल हो गया आपका 90-3 90, उसका हो गया 87 आपका, ठीक है। तो एंगल हमारा कितना आएगा यहाँ पे 87, ठीक है। और इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम 0 से कैलकुलेट करेंगे जैसे मैंने बताया था। तो हमें क्या करूँगा, 90 में 3 ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा एंगल आपका 93, ठीक है, 93 हो जाएगा। तो इसको हम करते हैं, चलिए दोस्तों, तो एल एंटर करता हूँ मैं यहाँ पे और ऊपर चलेंगे कितना डिस्टेंस हम 80 mm, जैसा कि मैंने दिखा रखा है थंबनेल में 80 mm डिस्टेंस चला मैंने और इधर 5 चला, ठीक है। फिर से मैं एंटर करूँगा, या तो उसी को ओवरलैप कर सकता हूँ या फिर मैं एंटर करके दोबारा लाइन चलता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे सिंपली लाइन कमांड ही चलना है। तो मैं यहाँ पर 5 mm की डिस्टेंस चलता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको एल एंटर करता हूँ मैं फिर से, और देखिए ये डिस्टेंस मेरी एंगल कितना निकला था। डिस्टेंस में मैंने बताया था कि मैं रेंडमली एज्यूम कर लूँगा, ठीक है। देखिए तो मैं यहाँ पे सिंटेक्स चलता हूँ, शिफ्ट @ डिस्टेंस मान लीजिए मैं रख लेता हूँ इसकी 20 की, और लेस देन एंगल या फिर थोड़ा बड़ा रखते हैं, और ठीक है इसको हटा दीजिए 20 की जगह, इसको कर दीजिए आप 50 का, और लेस देन एंगल शिफ्ट लेस देन एंगल मेरा एंगल कितना था 87, एंटर, ठीक है। अब इसी तरह इसको आप मिरर कर देंगे तो भी हो जाएगा आपका, नहीं तो अगर आप एंगल निकालना चाहते हो तो भी निकल जाएगा, बट मैं इसको एक बार मिरर करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये देखिए एकदम एक्यूरेट आएगा, ठीक है, ये तो हो गया आपका मिरर कमांड, ठीक है ना, मिरर से हो गया, ठीक है, बन गया आपका। और इसके बीच का एंगल भी हम अभी देख लेंगे, ठीक है। बट इसको मैं अगर मान लीजिए मुझे मिरर कमांड नहीं मालूम है, अब मिरर कमांड मैं नहीं करना चाहता हूँ, मैं इसको पोलर कोऑर्डिनेट से ही ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूँगा, या तो देखिए दोस्तों आप इसको कॉपी भी करा सकते हैं, CO कॉपी कीजिए, इसको आप बैकग्राउंड में सेलेक्ट कीजिए, इसको इस पॉइंट से उठाइए, इस पॉइंट पे रख दीजिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे इसको क्या कीजिए, MI एंटर कीजिए, मिरर कर दीजिए आप दोबारा, और ये जो इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए, इस तरह से भी कर सकते हैं आप, ठीक है दोस्तों। तो बहुत सारे इसके अंदर ट्रिक हैं, बस आपको कमांड मालूम होनी चाहिए। तो इसीलिए ये हम ईजी वे में करते हैं, जितनी आपको कमांड्स की नॉलेज रहेगी उतनी मतलब आपको जो ड्राइंग बनाते हैं बहुत ही ईजीनेस होगी, बहुत ही मतलब एफर्ट दिखा एक्यूरेसी आएगी आपकी डायग्राम में, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको हम पोलर कोऑर्डिनेट से निकालते हैं, तो पोलर कोऑर्डिनेट से कैसे निकालेंगे, अब मुझे मालूम है कि हमारा जो ये लाइन है ये हमारी सेकंड कोऑर्डिनेट में लाइक कर रही है, सेकंड मतलब 90 to 180 के बीच में एंगल आएगा। तो 90 में मैं कितना ऐड करूँ,
मैंने बताया था कि दोनों के बीच का एंगल मेरा कितना कितना उसने मेरे दोस्त ने बताया हुआ है 6 डिग्री का, ठीक है। तो हम 3 डिग्री इधर 3 डिग्री इस क्वाड्रेंट में, तो 3 डिग्री जब इसमें ऐड करें तो 90 में मुझे ऐड करना पड़ेगा, कितना ऐड करना पड़ेगा 3, तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 93। तो शिफ्ट एट द रेट सॉरी एंगल इसका 93 हो जाएगा और डिस्टेंस इसकी सिमिलर रहेगी आपकी 50 50, और लेस देन एंगल आपका क्या रहेगा 93, और एंटर कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये हो गया आपका। अब इसके बीच का मैं एंगल देख लेता हूँ, एंगल कैसे देखेंगे हम, ये देखिए यहाँ पे एंगल का टर्म आता है एंगुलर डायमेंशन, ठीक है। अब मुझे इसके इस लाइन के और इस लाइन के बीच के एंगल देखना है, ठीक है। ये देखिए दिखा तो रहा है 6 डिग्री, बट क्या मुझे बहुत ही जूम करना पड़ रहा है। अब मान लीजिए जूम कर रहा हूँ तो मेरे डायग्राम हट जा रहा है, ठीक है। तो मैं डी एंटर करता हूँ, डायमेंशन स्टाइल मैनेजर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है आपकी, मतलब इसमें आप टेक्स्ट की हाइट, एरो का साइज, ठीक है, सेंटर मार्क और सर्कल ड्रॉ कर रहे हो तो ये सब आप चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। बट और यहाँ पे भी मुझे मॉडिफाई करना है, इसको मॉडिफाई करके प्राइम यूनिट चेंज करनी है मुझे, और प्रिसीजनली मुझे कितनी रखनी है, 0 की रखनी है, ठीक है। और टैक्स मुझे कितना रखना है, यहाँ पे टैक्स का हाइट मान लीजिए मैं 4 mm रखता हूँ, ठीक है। सिम्बल एंड एरोज मैं यहाँ पे एरो का साइज मैं यहाँ पे 3 mm रखता हूँ, ठीक है। लाइन्स मैं कितनी रखता हूँ, एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइन इसको मैं 2 करता हूँ, और सेम वही इसको भी हम 2 रखते हैं, ठीक है। एंड देन ओके, और करंट में सेट करेंगे इसे, एंड देन क्लोज करेंगे, ठीक। ये दिखा रहा है आपका 6 डिग्री, ठीक है। अब इसी तरह मैं इसकी हाइट चेक कर लेता हूँ, तो हाइट चेक करने के लिए हम इसके अंदर जाएंगे, इसके एरो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर लीनियर का ऑप्शन आया, लीनियर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं इसको, ये देखिए आपकी 80 mm की डिस्टेंस, ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारा mm में रहता है, ठीक है ना। तो ये 80 mm है आपका। इसी तरह मैंने इसका एंगल देख लिया, और इसके बीच की जो विड्थ है ये हम देख लेते हैं कितने की आई है। तो लीनियर डायमेंशन फिर से लेंगे हम, ये आपकी रहेगी 10 mm की, ठीक है, जैसा कि मैंने दिखा रखा है, ठीक है। तो ये ड्राइंग आपकी कंप्लीट होगी दोस्तों, आई होप आप लोगों को बढ़िया समझ में आओ। और अगर जैसा कि उस दोस्त ने मेरे को कमेंट करके पूछा था कि हम 80 mm के डिस्टेंस पे टॉप पे उसके पाँच मतलब 5-5 mm का 10 mm का गैप रहेगा उनके बीच में, और 6 डिग्री का एंगल रहेगा, तो हम उस लाइन को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों उसका पूरा का पूरा हाल मैंने आपको बता दिया है, इस तरह से हम उसको कर सकते हैं। अगर इसके अंदर भी आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इसके ऊपर फिर से एक वीडियो मॉडिफाई करके लाऊंगा। तो दोस्तों हमारे चैनल ECM Tutorials से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, और ऐसे ही न्यू और यूनिक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल ECM Tutorials को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और इन बेनिफिशियल वीडियोज़ से प्लीज़ जुड़े रहें। तो धन्यवाद इंजीनियर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।